पावर जो एक्सोटिक खेल रहे हैं वो आरी के जादू को पिक ऑफ करते हुए आरएनटी के प्लेयर्स मूव इन कर रहे हैं, उनको एक कंपाउंड की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड इस कंपाउंड को जल्दी फिनिश ऑफ भी करना। मीनवाइल सोल के प्लेयर्स सीधा क्रैश करने के सोचे टीएक्स के ऊपर एंड टीएक्स इंस्टेंटली उनको पनिश करते हैं। मीनवाइल वहां पे एस पावर आरी के दोनों प्लेयर्स को पिक ऑफ करते हुए अक्षत और ओमेगा यहां पे डाउन है, बाहर जाएंगे प्लेयर को उनको नॉक करेंगे। यहां पे प्लेयर 3 पिक ऑफ करेंगे टीएक्स के एक प्लेयर को, आई एम अज्यूमिंग वहां पे पिक ऑफ हुए थे पुष्पा, पिक ऑफ हुए नहीं थे, पिक ऑफ होते थे बच गए थे वीरू पुष्पा और गिल 7 किल के साथ। यहां पे टीएक्स लुकिंग वेरी स्ट्रांग राइट नाउ, टोपी को रिवाइव करने का वो रिवाइव होना बहुत मुश्किल है। इनसिंग के प्लेयर काफी अच्छे पोजीशन में होते पर इनसिंग के प्लेयर वहां पे स्प्लिट है तो नॉट रेडी सो ज्यादा कुछ कर पाएंगे। यानी एश की तरफ से बहुत ही अमेच्योर मूव यहां पे ओपन में प्रोन करके स्मोक करने की कोशिश, डज नॉट रियली हेल्प पर वीरू यहां पे अनस्टॉपेबल है, 4th किल ले चुका है, पूरे ओजी के टीम को अकेले एलिमिनेट करने का इसने यहां पे टर्न लिया, ट्रिगर वहां पे स्पॉट हो जाएंगे। वीरू का स्प्रे देखिए प्रोन करके M4 6X जैसे कि लेजर है, लेजर जिसको बोलते हैं वो चला रहे हैं यहाँ पे एंड 9 किल्स के साथ टीएक्स लुकिंग टू मेक अ कमबैक यहाँ पे। रेटिश और ज्यादा कुछ उनके लिए डिफरेंस नहीं होगा, पुष्पा यहाँ पे मूव इन कर रहे हैं बहुत ही अमेच्योर मूव यहाँ पे मवी की तरफ से, प्रीटी श्योर ऊपर स्कोप इन करके मारना भी पॉसिबल नहीं था, वीरू अकेले बचे हैं, नेट जाएंगे एंड दैट्स द वाइप आउट एलिमिनेशन ऑफ टीम एक्स पार्क। ये फाइट है, मीनवाइल यहाँ पे एक्सो की टीम 14 फिनिश इरेंगल के मैप में 14 फिनिशेस के साथ, दे लुक ऑन अ रोल। यहाँ पे आरएनटी के अननोन लास्ट स्टैंडिंग प्लेयर है, देखते हैं यहाँ पे किल के लिए फाइट हो रहा है, कौन लेते हैं एसपावर का नेट, मोस्टली कनेक्ट करना चाहिए पर नो कनेक्ट नहीं किया। यहाँ पे एसपावर मूविंग करेंगे, करेक्ट पोजीशनिंग का उनको नॉलेज नहीं है पर वहां पे उनका काम पूरा कर दिया आरजी के अननोन ने एंगल में, काफी बेहतरीन गेम प्ले, काफी रोल करके बैठे हैं और जो एक्सो के प्लेयर है स्प्लिट अप दूर दूर है बट वही शुरुआत होती है। एसपावर ने यहाँ पे पहला नॉक निकाला, अब्रार थोड़ा सा एग्रेसिव खेलने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पे वो गलती होती है, सना नाना यहाँ पे नॉकआउट हो चुके हैं, अब्रार की किल यहाँ पे कंफर्म करी, फिनिश यहाँ पे कंफर्म करा एसपावर। दिस किड इज डायनामिक, मतलब बैक टू बैक द मोमेंट ही एडेड हिमसेल्फ टू द रोस्टर टूर्नामेंट में यहाँ पर जो एक्सो का पोटेंशियल है वो बिल्कुल आसमान फाड़ रहा है। अभी हाई रेंज का एडवांटेज है यहाँ पर टीम रेकनिंग के पास और वो आराम से टीपीपी लेंगे, स्मोक जैसे ही फेड ऑफ होगा दे विल ऑब्वियसली दे विल स्पॉट एसपावर, यहाँ पे एसपावर स्पॉट हो चुके हैं, एडीएस की फाइट लेने की कोशिश, एडीएस खोला बट स्प्रे ने यहाँ पर अपना मिस कर दिया भाई पे एसपावर अगेन taking so much damage and giving everything possible. Okay, he's a front man leading. कहते हैं जो पहला player खड़ा होता है आगे वो damage लेता है, पीछे वाला game करते हैं, he is the one, he कहते हैं damage भी मैं ही दूंगा, मारूंगा भी मैं और एक और player यहाँ पे damage दिया, Maxio भी वहाँ पे knockout करा और अफसोस यहाँ पे knockout हो चुके but this is a time कि वो अपने teammate के यहाँ पे fierce और सनाना की जरूरत है। किरेटो ने यहाँ पे Groza से यहाँ पे मेरे ख्याल से finish confirm करने की कोशिश कर रहे थे, किरेटो ने सनाना की यहाँ पे जो किल थी जो फिनिश था वो यहाँ पे कंफर्म करा। अभी भी हाइट एडवांटेज है यहाँ पे, किरीटो कोशिश कर रहे हैं, पियर्स के पास अच्छा मौका है, उनके पास एक अच्छा कवर है बट दोनों को एक दूसरे की पोजीशन पता है, एडी एडी करके जाने की कोशिश करने कर रहे हैं, जिगल दे रहे हैं बट पता है जिसके पास टीपी पे उसके पास फायदा होता है बट किरीटो को पता नहीं कि किस टाइप पे अटैक करो, ट्रिगर है, ओ माय गॉड ही डिड इट, ट्रिगर He just pulled it off. I said कि ट्रिगर के पास शायद एडवांटेज नहीं है।